नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेक डीआईवाई के आज के सेशन में। आज हम स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर और उसका क्लाइंट बना के देखेंगे। बेसिकली जो हमारा सर्विस होती है, कोई भी सर्विस होती है, जब वो स्टार्ट होती है तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से हम उसकी वैल्यूज को, प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। अब क्या होता है कि जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो उसी टाइम पे ये सारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी लोड होगी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हम स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग के थ्रू हम एक कॉन्फ़िग सर्वर बना सकते हैं, और जो हमारा कॉन्फ़िग सर्वर है वो हमारे एक लोकेशन से रीड करेगा। अब ये लोकेशन क्या हो सकती है, ये लोकेशन हो सकती है गिट हो सकता है अपना, या फिर अपना फाइल सिस्टम में हो सकता है, लोकल फाइल सिस्टम में, या हम थर्ड पार्टी वॉल्ट सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो जो मोस्टली जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज, वो वॉल्ट्स का यूज़ करती हैं। ठीक है, आज के हमारे सेशन में हम फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे, और फाइल सिस्टम में कैसे कॉन्फिगर करते हैं वही हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमारा जो लिंक है वो ये है spring.io का, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। इसके अलावा हमने रेफरेंस के लिए बेल्डिंग को भी रेफर किया, belding.com को, और क्लाउड नेटिव यानी कि जो हम जो नेटिव वाला है, यानी कि बैकेंड में क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर जो है वो हम जैसा कि मैंने अभी बोला है आपको, क्योंकि हम फाइल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो नेटिव कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। तो वो नेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग का जो ट्यूटोरियल है वहाँ से हम देंगे, और सारे ही सबके डिटेल्स आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ ही हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है spring.io का, इसी को हमने रेफर किया है आज के सेशन के लिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप चाहें तो इनका GitHub से इनका कोड क्लोन करके भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमने सारा कोड हैंड कोड किया है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। ये इनका pom.xml है, और जब आप start.spring.io से करेंगे तो आपको डिपेंडेंसी में आपको स्प्रिंग कॉन्फ़िग लेना पड़ेगा कॉन्फ़िग सर्वर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में भी आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम कोड दिखाएंगे तो उस टाइम में हम बिल्कुल स्क्रीन को स्टॉप करके दिखाएंगे, तो आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसी ट्यूटोरियल में इसने क्लाइंट बनाना भी बताया, कॉन्फ़िग क्लाइंट कैसे बनेगा। ठीक है, कॉन्फ़िग क्लाइंट मतलब वो सर्विसेज जो अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सटर्नलाइज कर रही हैं। आप कहेंगे फ़ायदा क्या है एक्सटर्नलाइज करने का, तो एक्सटर्नलाइज करने का सबसे बेसिक और सबसे मेन फ़ायदा जो है वो ये है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंटली बदली जा सकती है। ठीक है, हमको अगर खाली प्रॉपर्टीज चेंज हुई है तो हमको सर्वर को फिर से रीबाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब सर्वर को फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारी अगर एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में चेंज है, तो हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करके काम चला सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है जब हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत यूज़फुल है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द कॉन्फ़िग सर्वर बाय यूजिंग कॉन्फ़िग क्लाइंट, तो ये कोड हम इसी कोड को हम अपने अपने POC में भी आपको शो करेंगे एक एक करके। और या @ रिफ्रेश स्कोप, और ये सारा एक्चुएटर स्प्रिंग स्टार्टर एक्चुएटर जो होता है डिपेंडेंसी उसके थ्रू होता है, तो एक्चुएटर अपना एक मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सर्विस की जो सर्विस की किस तरह का सर्विस परफॉर्म कर रही है वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ये हमको देता है कि आपकी सर्विस की हेल्थ कैसी है, हेल्थ चेक्स वगैरह देता है। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे रिफ्रेश स्कोप जो है वो ये बताता है कि कैसे हम उसको बिना सर्वर को रिस्टार्ट किए उसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं स्कोप को, वो भी हम देखेंगे क्लाइंट के
और ये मेनली यहाँ पे क्लाइंट के केस में होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी रहती है management.endpoint.web.exposure.include, ये हमको इनेबल करनी पड़ती है अपने जो क्लाइंट का जो YAML या प्रॉपर्टीज फाइल है उसके अंदर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ये जो आप मेरे टर्मिनल पे आप देख पा रहे हैं कर्ल कमांड रहता है, वो कर्ल कमांड भी यहाँ पे है, इस ट्यूटोरियल में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। और वैसे हमने इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपके लिए दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके कर्ल कमांड और वहाँ पे आप अपना पोर्ट नंबर डाल के कर्ल कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टेस्ट का भी बताया है, तो ये सारा कोड है और ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन इसने दिया है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये कर्ल कमांड है, तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का पीओसी क्या हम करने जा रहे हैं। क्योंकि तो हम अगर शॉर्ट में बोले तो हम लोग आज के पीओसी में एक किसी सर्विस को, एक क्लाइंट सर्विस के जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सटर्नलाइज करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो सर्विस है उसको, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेंगे, हम कोई भी जो प्रॉपर्टीज रहती है जैसे डेटाबेस नेम हो गया या इस तरह की कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज हो गई, कुछ पैरामीटर्स हो गए, तो वो हम इस तरह से एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं, तो वही हम देखने जाएंगे आज के सेशन में। तो इसी के साथ चलिए कोड में चलते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िग सर्वर का कोड है, तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लास है। इसमें हमने एट इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर, ये एनोटेशन हमको यूज़ करना पड़ेगा, जिस भी सर्विस को हम अपना कॉन्फ़िग सर्वर बना रहे हैं उसमें हमको एट इनेबल कॉन्फ़िग सर्वर इनेबल करना पड़ेगा। और ये हमारी इफेक्टिव पॉम है जो हमने spring.io से जनरेट करवाई थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर ये हमारा डिपेंडेंसी है जो हमको ऐड करनी पड़ेगी, और ये कॉन्फ़िग सर्वर वाली सर्विस के लिए ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में जो क्लाउड का जो डिटेल्स है ये आपको भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्ट करने के बाद आपको मेवन अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो लोकल रिपोजिटरी लोकल M2 है वो फिर से, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लोकल में आ जाए, लोकल में कॉपी हो जाए मेवन रिपोजिटरी से, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जो किसी भी प्रोजेक्ट में रहता है, किसी भी मेवन प्रोजेक्ट में ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो ये हम करेंगे। और इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है स्क्रीन को, आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोड को कहीं पे भी पॉज करके आप अगर लिखना चाहें तो कोड लिख सकते हैं। मैं लिखने का ही सजेस्ट करूंगा आपको, खुद से लिखने का, इसीलिए मैं गिटहब पे नहीं डालता हूं कोड, ताकि आप वीडियो में जाके और उसको कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप खुद से उसको लिखें, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक अचीवमेंट फील होगा कि हाँ मैंने ये अचीव किया, ये मैंने सीखा, ये मैंने समझा, ठीक है। आप एक बार समझ के अगर कर भी लेंगे कॉपी पेस्ट करके तो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ दिमाग में बैठेगी नहीं। दिमाग में बैठने के लिए क्या है बेस्ट, आप देखें, भले ही देख के भी अगर कोड करेंगे तो भी वो नेक्स्ट टाइम आप वापस जब इसको रिविजिट करेंगे वीडियो को तो आपको रहेगा कि हाँ ये मेरे हाथ से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। तो हाँ, यहाँ पे हमने सर्वर पोर्ट सेट किया और स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव हमको ये सेट करना पड़ता है नेटिव। और ये जो सर्च लोकेशंस है इसमें आप देख सकते हैं हमने एक हमारा जो सिस्टम का एक लोकेशन बताया है फाइल सिस्टम का। तो अभी क्या होगा, ये जो कॉन्फ़िग सर्वर है ये कॉन्फ़िग फोल्डर कृष्णा के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स रहेगी उन फाइल्स को हमारा जो कॉन्फ़िग सर्वर है उन फाइल्स को रेफर करेगा और उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए इंजेक्टेबल करेगा, यानी कि उनको जो भी सर्विसेज रहेगी उनमें इंजेक्ट करेगा या उनमें उन वैल्यूज को जोड़ेगा, उन वैल्यूज को रन टाइम पे जोड़ेगा,
यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे स्कोप को, क्लाइंट के स्कोप को, तो ये वैल्यूज वहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए ये यूज़ होता है। और ये बेल्डिंग की साइट है, मैंने पहले भी आपको बताया, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंस है, यहाँ से हमने मेनली देखा था कि हम कैसे बैकेंड फाइल सिस्टम बैकेंड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तीन तरह की लोकेशंस हम यहाँ दे सकते हैं। पहला है गिटहब लोकेशन, दूसरा है फाइल बैकेंड, फाइल सिस्टम बैकेंड, और तीसरा होता है अपना वॉल्ट। और इस पीओसी में हम फाइल सिस्टम बैकेंड लेने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको, जैसा अभी अपन ने एप्लीकेशन यामल में देखा है, कॉन्फ़िग सर्वर की एप्लीकेशन यामल में जैसा हमने देखा था, तो हमको यही बताया जा रहा है कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे सर्च लोकेशंस को। तो यही मेनली यही तीन पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं। और हमको स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव इक्वल टू नेटिव, ये भी हमने किया है। अगर आप यामल को फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह भी हमने किया था थोड़ा सा पीछे लेके। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, ये भी वही बता रहा है कि कैसे हम कॉन्फ़िग सर्वर को तैयार करते हैं अपने सारी एप्लीकेशंस के लिए। अभी क्या होगा, जितनी जितने हम क्लाइंट लिखेंगे उतने ही हम उस हिसाब से हम अपने कॉन्फ़िग सर्च लोकेशंस जो हैं उसके अंदर उतनी फाइल्स हमको हम ऐड कर सकते हैं उसी नाम से, एप्लीकेशन के नाम से। तो वो भी हम देखेंगे आगे। और ये फॉर्मेट यही रहता है, जो पाथ हम दिखा रहे हैं पाथ वही रहता है। अभी हम क्लाइंट लिखने जा रहे हैं, तो क्लाइंट हमने क्या किया है कि हमारी एक एग्जिस्टिंग हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन थी सिंपल स्प्रिंग बूट की, उसी में हमने डिपेंडेंसी ऐड की है। वेब स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी है, उसके अलावा स्टार्टर क्लाउड स्टार्टर कॉन्फ़िग कर दिया हमने। तो ये जो स्टार्टर कॉन्फ़िग है ये बेसिकली हमारा क्लाइंट है। ठीक है, कॉन्फ़िग क्लाइंट की डिपेंडेंसी है। और इसी तरह से हमने ये ऐड किया है, और इसके अलावा हमने एक्चुएटर ऐड किया है, क्योंकि हम वो रिफ्रेश स्कोप का हमने आपको बताया था पहले भी कि रिफ्रेश स्कोप मतलब बिना मतलब हमको एंड पॉइंट्स, एक्चुएटर एक्चुअली हमको एंड पॉइंट्स देता है, ताकि हम मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स देता है, ताकि हम कि कोई सर्विस रन कर रही है तो वो कितने मतलब कितने उसके इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, या कि उसको कैसे रिफ्रेश, इस स्कोप की बात की जाए तो इसमें हम कैसे उसको रिफ्रेश कर सकते हैं सर्वर को बिना स्टार्ट किए। तो वो सारी फंक्शनैलिटीज हमको स्प्रिंग एक्चुएटर प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग एक्चुएटर आउट ऑफ द बॉक्स देता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली अपना स्प्रिंग एक्चुएटर का जो डिपेंडेंसी वो यहाँ pom.xml में ऐड करना है, और बाकी काम स्प्रिंग खुद ही कर लेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपल एक रेस्ट कंट्रोलर लिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिफ्रेश एट द रेट रिफ्रेश स्कोप हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रेश स्कोप मतलब ये चीज़ें इसमें, इस फाइल में जो भी कुछ है उसको आप रिफ्रेश करो। ठीक है, और अभी जैसा आपने देखा था वहाँ पे कंट्रोलर में हम इसको रेफर कर रहे हैं से हेलो यूज़र, तो इसकी ये एक बार हम इस लोकल एप्लीकेशन यामल में भी डिफाइन करेंगे, और इसको हम वहाँ पे कॉन्फ़िग लोकेशन जो है वहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वर पोर्ट हमने 8090 लिया है, और ये लोकेशन एक्चुअली हमारी है हेलो ग्रीटिंग्स डॉट यामल। ये जो लोकेशन है ये हमारी फाइल सिस्टम के अंदर है, जो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर फाइल सिस्टम में ये यामल फाइल हमने बनाई है। अब यहाँ पे इसका नाम हेलो ग्रीटिंग्स डॉट यामल कैसे है, या हेलो ग्रीटिंग्स डॉट यामल है, इसके थ्रू ही कॉन्फ़िग सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एप्लीकेशन में या कौन से सर्विस में मुझे ये प्रॉपर्टीज इंजेक्ट करवानी है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा है कि अभी जो हमारा क्लाइंट सर्विस है, इस क्लाइंट सर्विस का नाम क्या है, हेलो ग्रीटिंग्स डॉट यामल। तो अभी जो हम कह रहे हैं से हेलो यूज़र, तो से हेलो यूज़र में ये जो वैल्यूज़ है लाइक एंड शेयर, तो वो वैल्यूज़ रीड होनी चाहिए। अगर हमारा कॉन्फ़िग सर्वर स्टार्ट होता है और सब, तो हमको ये चीज़ें रीड होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हम ट्राई करेंगे।
तो ये है, अभी ये वैल्यूज हैं, अभी इसको हम रीस्टार्ट करके देखेंगे। पर इससे पहले आपको YAML में एक दो चीज़ें और देखनी होगी, तो मैं वो YAML आपके लिए फिर से खोल दूंगा। ये रही, तो YAML में पहले हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई, फिर एप्लीकेशन नेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, तो इसमें हम हेलो ग्रीटिंग्स बोल रहे हैं, और ये सेम नेम हमारा कॉन्फिग के अंदर जो YAML फाइल है उसका नाम हेलो ग्रीटिंग्स डॉट YAML होगा, उसका नाम एप्लीकेशन डॉट YAML नहीं होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और URI में हम देंगे लोकल होस्ट 8888, तो ये 8888 क्या है, ये 8888 वो पोर्ट है जिस पे हमारा कॉन्फिग सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। और इंपोर्ट कहाँ से करनी है, तो इंपोर्ट हमको कॉन्फिग कहाँ से इंपोर्ट होगी, तो वो हम यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं कॉन्फिग इंपोर्ट होगी हमारी लोकल होस्ट 8888 से, ठीक है। ये आपको एज इट इज ही देना होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका, अगर आपका दूसरे किसी पोर्ट पे होगा तो वो आपको यहाँ देना होगा। और मैनेज्ड एंड पॉइंट्स, तो बेसिकली जब हम एक्चुएटर यूज करते हैं तो हमको ये प्रॉपर्टी इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है, और इसमें ताकि हमारे जो जितने भी मैनेज्ड एंड पॉइंट्स हैं एक्चुएटर वाले वो सारे इनेबल हो जाएंगे अगर हम एक्सपोजर इंक्लूड स्टार देंगे, तो मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स वेब एक्सपोजर इंक्लूड स्टार, ये देने पे हमारे जो एक्चुएटर एंड पॉइंट्स है वो इनेबल हो जाते हैं, मतलब उनका हम यूज कर पाएंगे। अभी ठीक है, अभी हम अपना, ये हमारा एंड पॉइंट्स है, अभी हम दोनों सर्वर्स को एक एक करके रीस्टार्ट कर स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना पहले हम जाके उसको स्टार्ट करते हैं जो हमारा कॉन्फिग सर्वर है उसको। तो कॉन्फिग सर्वर हमारा 8888 पोर्ट पे स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर स्टार्ट हो रहा है। जी, तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिग सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये मैसेज अपने को शो कर देगा कि कॉन्फिग सर्वर स्टार्टेड। और जब हम अपना क्लाइंट रजिस्टर करवाएंगे, यानी जब क्लाइंट स्टार्ट करेंगे, तो उसी टाइम पे हमारा क्लाइंट जो है वो इस कॉन्फिग सर्वर के साथ रजिस्टर होगा। तो जब वो रजिस्टर होगा तो यहाँ पे कंसोल में थोड़ा सा एक चेंज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम अपने 8090 पोर्ट पे कॉन्फिग क्लाइंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा कॉन्फिग क्लाइंट स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8090 पे हो रहा है स्टार्ट, और ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड ग्रीटिंग, ठीक है। इसी नाम से हमने YAML बनाई है कॉन्फिग लोकेशन में भी, ठीक है। तो ये है, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ, अब हम उसकी, या जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे लास्ट जो लाइन ऐड हुई है ये हमको बता रही है कि हाँ मैंने रजिस्टर कर लिया है कॉन्फिग सर्विस क्लाइंट को, क्लाइंट सर्विस को मैंने रजिस्टर कर लिया है, और वो उसको मैं यहाँ से रीड करूंगा। लोकेशन भी इसने बता दी कि मेरी हेलो ग्रीटिंग्स डॉट YAML फाइल है, वहां से मैं इसको इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रीड करूंगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो वही जस्ट आप देख सकते हैं ये हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ था 8888 पोर्ट पे। अभी हम, ये हमारा एक एंड पॉइंट है, कॉन्फिग सर्वर का एंड पॉइंट है, तो जब हम इसको हिट करेंगे डिफॉल्ट्स को, तो ये हमको बता देगा कि YAML सोर्स का नाम क्या है, नंबर वन। नंबर टू, किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम वहां से रीड कर रहे हैं। तो अभी हम एक ही प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं, दैट इज से हेलो यूजर, ठीक है। तो वही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, बिकॉज जो हमारा नेम हम देंगे उसी नाम से हमको सेम नाम से सर्च, अपनी सर्च लोकेशन, जब मैं कह रहा हूँ तो
फाइल सिस्टम में जो मेरी लोकेशन है जहाँ पे मेरी YAML फाइल्स हैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी सोर्स में भी मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पे नेम में आप देख सकते हैं, और सोर्स में ये एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ से रीड हो रही है वो ये बता रहा है। तो अभी एक्चुअली जो हमारा ये जो मैसेज है लाइक एंड शेयर, ये रीड हो चुका है, ये लोड हो चुका है कहाँ पे, कॉन्फिग सर्वर में, ठीक है। कॉन्फिग सर्विस एप्लीकेशन जो है उसमें ये लोड हो चुका है, लेकिन अभी तक 8090 पे अगर अपन रेफर करेंगे तो वहाँ पे वो सेम वैल्यू दिखा रहा है। अभी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा अपडेट करके, ठीक है। तो ये जो कल कमांड है, ये मैंने पहले भी बोला था, ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको, सेम कल कमांड, तो आप वहाँ से कॉपी करके भी अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। यहाँ पे तो टर्मिनल में है, विंडोज़ में आप चाहे तो पावर शेल के अंदर इसको रन कर सकते हैं, पावर शेल लगेगा शायद आपको, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आप चला के देख सकते हैं, बट मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे डाउट है कि वो वहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा। आप पावर शेल अगर रहता है तो आप बेटर है पावर शेल पे चलाइए, तो वहाँ पे ये CURL चलना चाहिए। अभी जैसे देख सकते हैं आप, दोनों वैल्यू सेम है। अभी हम इसका जो जो हमारी hellogreetings.yaml फाइल है, लोकेशन है, मैं इसको लोकेशन बोलूँगा, इस लोकेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोकेशन में बोलेंगे कि भाई लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलिए हम वो आपको बोलते हैं मैसेज कि लाइक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि उससे हमको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी जैसा हमने अपडेट किया, अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कॉन्फिग सर्वर है, कॉन्फिग सर्वर में अपडेट हो चुका है, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है उसमें अभी भी मुझे पुरानी वैल्यू ही दिख रही है एल नेम में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, आपको सिंपल सा जो हमने रिफ्रेश स्कोप वाला सारा फंडा किया था ना, वो यहाँ काम आएगा। जब भी हम CURL से इसको हिट कर रहे हैं रिफ्रेश स्लैश रिफ्रेश वाले URL को, तो वो हमारा कॉन्फिग सर्वर से प्रॉपर्टीज को उठा के और हमारे क्लाइंट सर्विस में डाल रहा है, ठीक है। तो वो काम हमारा एक्चुएटर कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैंने रन किया तो इसने बता दिया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसने इंजेक्ट करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमने एक ही लिए, आप चाहे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैसेज फिर से वही बोल रहा है कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो जुड़ गया है यहाँ पे। तो अब क्योंकि सब्सक्राइब जुड़ गया है तो सब्सक्राइब कर भी लीजिए, इसी के साथ बेल भी दबा दीजिएगा। और चलिए ये एक हुआ, अभी हम एक बार एक एक ट्रायल और देते हैं, जो कि हमारा टारगेट है, टारगेट 100K सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो वो भी हम किसी दिन जरूर कर लेंगे पूरा। तो एक बार फिर से हम आपको ये थोड़ा बता देते हैं, तो देखिए टारगेट 100K सब्स तो 100K सब्स हमें चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ आज का सेशन पूरा होता है। अभी हमने इसको रिफ्रेश करेंगे और ये लोड होगा हमारे क्लाइंट सर्विस में, ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश किया कल कमांड से रिफ्रेश करने के बाद ये क्लाइंट में अपडेट होगा और सेम मैसेज जो है वो क्लाइंट में भी अभी ऐड हो जाएगा। अभी हम रिफ्रेश करेंगे और ये आया टारगेट 100K सब्स यहाँ पे भी आ गया। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और अगले सेशन तक हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा खुश रहें, आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।